हमारे सतगुरुदेव भगवान जी ने श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ये वचन कई बार फरमाया करते रहे हैं। गुरुदेव फरमाते थे, किसी को गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात तो कर सकते हो। आज प्रभु ने इसी बात के लिए ही प्रेरित किया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। जब भी कुछ कहें जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक संभव हो प्रेम से भरपूर हो और सत्यता हो उसमें। बहुत सारे लोगों को एक तो ऐसी बात बोल जाते हैं जिनको ये पता भी नहीं है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जाने में और या अनजाने में दूसरों की बुराई करने में उनको मज़ा आता है और इस चीज़ में हमेशा ये चीज़ उन्हें हमेशा दुखी बनाए रखती है। ज़रा ख्याल कीजिएगा इस बात का कि आप इन गंदी आदत में ना पड़ें। बड़ा कीमती है ये वाला पाठ कि अगर हम मीठी वाणी बोल सकें, कैसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, जो अपने अहंकार से रहित होकर बोली जाए, अपने ईगो से हटकर बोली जाए, तो प्यार से नम्रतापूर्वक बोला जाए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए, दूसरों को भी शीतलता दे और खुद को भी शीतलता दे। इसका अर्थ यही है कि दूसरों के लिए मोटिवेशन हो, उसमें प्यार हो और खुशी भरी चीज़ हो, सुन के सामने वाले को प्रसन्नता मिले। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि गुरुमुख भी इस बात पर ध्यान नहीं देते, गुरु की राह पर चल रहे हैं लेकिन अपनी आदतें नहीं छोड़ते, आदतें वैसी की वैसी बनी रहती हैं। अगर झूठ बोलना है तो बोलना है, बात को तोड़ना मरोड़ना है तो तोड़ना मरोड़ना है, ये भी आदत है। और इस तरीके से बातों को मोल्ड किया जाता है, बदला जाता है कि इसको ऐसा कह दिया जाए, उसे वैसा कह दिया जाए, बातों को घुमा दिया जाए, झूठ बोल दिया जाए। ये बातें एक गुरुमुख के लिए शोभा नहीं देती। एक गुरुमुख जहाँ तक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम सारे सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाएंगे, बट फिर भी फालतू का झूठ नहीं, ऐसा झूठ नहीं जो अंततः दुखदायी हो, और ऐसा सत्य भी नहीं जो अंततः दुखदायी हो। फिर बता दूं इस बात को, अगर सत्य भी ऐसा बोला जिसे कहा गया ना, सत्यम ब्रियात प्रियम बुरा बुरियात माँ ब्रियात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य भी मत बोलो जो अप्रिय लगे। लेकिन बात बात पर झूठ भी नहीं, ये बैलेंस हमारी आत्मा अंदर से जानती है, ये आत्मा हमारे अंदर से जानती है कि सत्य क्या है और कैसे बोला जाता है। इसके लिए कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत अच्छे से पता है सत्य क्या है और कैसे बोला जाता है। तो झूठ बोलकर अपने आत्मा को कमज़ोर ना बनाया जाए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, थ्रोट चक्र बड़ा कमज़ोर होता है। थ्रोट चक्र कमज़ोर होने का एक ही मतलब है कि आपने झूठ बोला है, और ऐसा झूठ जो सामने वाले के नुकसान में गया है। लोगों को जो दूसरे की बातें हैं ना, वो दिमाग में ऐसी चुभती हैं कि सालों तक, जन्मों तक वो बातें भूलती नहीं हैं। उस दिन किसी व्यक्ति का हम पास्ट लाइफ देख रहे थे, उस व्यक्ति ने किसी को किसी जन्म में ऐसा कुछ बोला कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम ऐसे घटिया इंसान हो, कुछ इस तरीके से कहकर उसकी बुराई करी थी। वो व्यक्ति अपने आप में, जो एक लड़का था वो, और उसके उस एक बोल के कारण उस व्यक्ति के पूरा जीवन नरक हो गया। आज वो व्यक्ति, जो लड़का जो था, बहुत ही तरक्की की राह पर चल रहा था, लेकिन बाद में
उसका ऐसा डाउनफॉल हुआ, ऐसा डाउनफॉल हुआ, बाद में उसकी मृत्यु होगी और उसकी मरने के बाद उसकी आत्मा ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया और इतना उसे परेशान कर रही थी। तो बाद में हमने पूछा, अभी है कौन, इसकी तरक्की क्यों रुकी हुई है? तो वो कोई चीज़ तब से चिपका हुआ था क्योंकि इस व्यक्ति ने एक बार उसकी इतनी बुरी तरह से बुराई करी थी पब्लिकली, उसको इतना इंसल्ट किया और इतना डीमोटिवेट किया कि उस बच्चे की पूरी प्रोग्रेस रुकवा दी थी और उसकी पूरी ज़िंदगी को डिमिनिश कर दिया। मेरी बात बात बहुत छोटी सी होती है लेकिन जब वो रिजल्ट आता है बड़ा भयंकर होता है। इसलिए बात को एक बार समझ लेना कि आपका एक बोल किसी के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। वो बदलना चाहे पॉजिटिव दिशा में हो और चाहे नेगेटिव दिशा में हो, ये डेफिनेटली इस बात का ख्याल रखिए कि लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए कुदरत का नियम वही है, बुराई करोगे घूम के वो बुराई आप तक आएगी। दुनिया एक बूमरैंग की तरह से है, जो भेजते हो ना वही आता है, जो बोते हैं वही काटा जाता है। जिस किसी ने बुराइयां करी हैं अंत में उसकी बुराइयां ही हुई हैं, और जिस किसी ने लोगों को मोटिवेट किया है अंत में उसे मोटिवेशन ही मिला है, उसे पॉजिटिविटी मिले ही मिले है। जो डालोगे, ये दुनिया एक प्रतिध्वनि है। अगर आज आप दुखी हैं तो डेफिनेटली आपने कभी ना कभी दुख के बीज बोए थे। अगर आज आप सुखी हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपको पॉजिटिव बोलते हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए आपने बीज बोए हैं। तो याद रखें इस बात को, बीज जरा ढंग से बोना। हमारा हर विचार, हमारी हर बात बोए हुए बीज हैं, हमारी हर बात हमारे बोए हुए बीज हैं। बीज गलत बो दिए गए तो कोई उम्मीद मत करना कि फसल आप बहुत अच्छी काट लोगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो बी केयरफुल। इसलिए बीज जड़ा संभल कर बोना, प्यार से बोना, जो चाहते हो अपने लिए वही दूसरों के लिए करके देखना, और ये दुनिया एक दिन ऐसी प्रतिध्वनि बनेगी। जो भी आपने दिया, आज जो लोग पैसे के लिए तरस रहे हैं, बहुत से लोगों को स्ट्रगल है, दिखता हूँ जीवन में बहुत से लोगों का जीवन जो है गुरु महाराज जी सामने दिखाते हैं, जिनके जीवन में स्ट्रगल है उन्होंने पैसा नहीं दिया किसी को, जरूरतमंदों की सहायता नहीं करी, पैसा था दिया नहीं, आज आपको दिया नहीं गया, या किसी का छीन लिया या किसी का हक मार लिया, तब भी दिया था लेकिन बांटा नहीं, प्यार नहीं दिया, नफरत बांटी, आज आपको नफरत मिल रही है, अपमान किया आज आपको अपमान मिल रहा है। सिंपल, इसमें किसी परमात्मा का कोई दोष नहीं है, जो जिस रूप में जैसा दिया वैसा ही आज लौट कर आ रहा है। तो बी केयरफुल। ये जया बीजे सो लुड़े कर्मा संदड़ा खेत, जो बोया जाता है यहाँ पर वही यहाँ से काटा जाता है, ये अपने ही कर्मों की खेती है। तो बी केयरफुल यहाँ पर क्या बोया जा रहा है। तो प्यार के बीज बोइए, मोटिवेशन के बीज बोइए, दूसरों को आनंद दिया जाए ऐसे बीज बोइए, वही लौट लौट कर आएगा। और कितना ही अच्छा हो अगर अध्यात्म के बीज बोए जाएं, मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा का कल्याण हो तो मैं दूसरों की आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करूँ, इतना स्वार्थी ना रहूँ कि केवल मैं अपने ही बारे में सोचूँ। इसलिए दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, कुछ 10 मिनट बैठ के एक समय में विचार कर लें कि मैं इस व्यक्ति का भला कैसे कर सकता हूँ। एक बार आपके अंदर ये सोच डिवेलप होगी ना, जैसी वाइब्रेशन आपके चारों तरफ होती है ना, वैसे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब आपकी सोच में ये होता है कि मैं इसको कैसे इसका फायदा उठा लूँ, ये स्वार्थी एटीट्यूड है, कैसे इसका फायदा उठा लूँ, इससे क्या ले लूँ, ये स्वार्थी है, ये स्वार्थी एटीट्यूड है। और जो ये स्वार्थी होगा वो इस संसार का कल्याण, वही संसारी है, वो इस संसार का कल्याण नहीं कर सकता। तो परमार्थी क्या होगा, मैं इस व्यक्ति को वो दूं जिससे इसकी आत्मा का भी कल्याण हो और इसका शारीरिक और मानसिक समस्याओं का भी समाधान हो। तो ऐसा कुछ देने की कोशिश करें
जो इसकी आत्मा के कल्याण के लिए जरूरी है। बस यही आपके उठाए हुए छोटे छोटे कदम जो हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए रास्ता खोल देते हैं। चक्रों की साधना बीच में इसी के लिए करने के लिए बोली जाती है। जैसे अगर आप अंदर अपने आप के प्रति गुस्से से भरे हुए हैं, अपने आप से भी आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो जो अंदर होगा वही आप बाहर बांटेंगे। तो ऊपर से नाटक भी नहीं किया जा सकता। अगर आप अंदर से गुस्से से भरे हैं, अंदर कड़वाहट भरी है, तो बाहर कड़वाहट ही निकलेगी। ये भी मत सोच लीजिए कि बाहर आप झूठ मूठ की परत बना के बैठे रहेंगे, ये भी नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स उसके लिए अपने अंदर भी बदलाव जरूरी है। अंदर मीठा फिर बाहर मीठा, बाहर मीठा तो संसार का में गया वो मीठा, और जो लौट के आया फिर वो मीठा, फिर आपका अंदर और मीठा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से एक पॉजिटिव साइकिल चल पड़ता है, और ऐसे ही नेगेटिव साइकिल भी चलता है। अंदर कड़वाहट भरी है, अंदर कड़वाहट भरी है तो मुंह से भी कड़वाहट ही निकलेगी, और जो मुंह से कड़वाहट निकलेगी वही संसार में जाएगी, और घूम कर लौट कर वही कड़वाहट ही आपको वापस आएगी, कड़वाहट और बढ़ेगी। बीज जैसा डाला वैसा ही पेड़ बना, और जैसा पेड़ बना उसका फिर वैसा ही बीज हुआ। घूम घूम कर ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। बी केयरफुल, आप क्या बीज डाल रहे हैं, जैसा डालेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है। आज आप दुखद फल काट रहे हैं, पीड़ा का फल काट रहे हैं, तो दुख के बीज बोए होंगे ऐसा मान लीजिए। किसी परमात्मा को दोष मत दीजिए बीच में कि कोई परमात्मा आपके लिए बुरा सोच रहा है। किसी परमात्मा को, किसी शनि देव को, किसी यमराज को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो शनि देव को शोक नहीं चढ़ा हुआ कि संसार में 850 करोड़ लोगों में से एक आपके ही पीछे वो बुराई कर रहे हैं, एक आपके ही के साथ उनको दुश्मनी है, आप ही के लिए वो टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हैं। उनको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आपके प्रति कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी सिर्फ और सिर्फ हमारी अपने ही कर्मों से है। हमारा ही अवचेतन मन शनिदेव बनकर बैठकर न्याय करता है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, बीज सही डालना, तो अपने विचारों के प्रति सावधान। इसीलिए तो सिमरण के बीज बोए जाते हैं। नाम बीज लो कर्मा वाले हो, आई रुत बीज ने दी। मुख आया है, मुख आया है, ऐसे नाम के पवित्रता के बीज डालो कि उसका जब पेड़ उगे तो फिर उस पेड़ की छाया में हजारों लोग बैठकर आनंदित हों। वो पेड़ कभी उगाए गए थे, आज उसके फल उग रहे हैं। फल उगने का समय आया, तो फल जैसा दिख रहा है, फल जितना मीठा है, समझ लीजिए बीज उतना ही मीठा डाला गया होगा। आज आपकी मेहनत, जन कल्याण के लिए जो आपके प्रयास हैं, वही लौट लौट कर वापिस आते हैं। संसार को जो दिया गया होता है वही लौट कर आता है, चाहे इस जन्म में आए चाहे उस जन्म में आएगा, जरूर भर भर के आएगा। बी केयरफुल क्या डाला जा रहा है वहां पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। इसलिए कोशिश करके वो करें जिसमें सबका कल्याण हो। इसीलिए हमने भी जगत कल्याण का भाव अपने हृदय में रखा और यही मांगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब में हम भी तो खुश शामिल हो गए ना। दूसरों का कल्याण करते करते अपनी आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। आज गुरुदेव का यही मैसेज था। बहुत ही कृपा है सतगुरुदेव भगवान जी की। कोशिश करें सबको इसी प्रकार अपना प्यार बांटते चलें। जगत कल्याण का भाव जिसके दिल में जैसा होगा वैसे ही फल लगेंगे। एक दिन ये प्यार का बीज बोया हुआ, प्यार का फल उगेगा। सारी दुनिया आपके प्रेम में ना पड़ जाए तो कहना, प्यार का बीज बोया हुआ है, यही काम आ रहा है। बोलो जयकारा।